मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम कर रही हूं। आज हमारे साथ अमेरिका ह्यूस्टन से मौजूद हैं डॉक्टर अवैस सलीम, जो कि वहां पर एक कॉलेज में जर्नलिज्म पढ़ाते हैं, लमान कॉलेज में, और इनकी रिसर्च भी है। और इसके अलावा जाहिर है कि जब वहां पे पढ़ा रहे हैं तो वहां के लोगों से भी बहुत अच्छे तरीके से वाबस्ते हैं। तो मैं जिस मौजू पर आज बात करना चाह रही हूँ उसके लिए मैंने सोचा कि अवैस साहब से आज बात की जाए। अवैस साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। अवैस सलीम, क्या आपने वहां पर वहां की हुकूमत को, पाकिस्तानी हुकूमत की शिकायत लगाई? क्योंकि खान साहब ने तो ये कहा कि ओवरसीज रहने वाले पाकिस्तानी अपनी अपनी वहां पे जो गवर्नमेंट्स है उनको पाकिस्तानी हुकूमत की शिकायत लगाई, तो आपने लगाई, किसको शिकायत लगाई और क्या कहा? देखिए, इसको दो तीन पहलुओं से देखा जा सकता है। एक तो यह कि शिकायत लगाने के लिए आपका मिजाज थोड़ा थोड़ा शिकायती होना चाहिए। मेरा मिजाज इस तरह का है नहीं। मैं अमूमन मसालियत के पहलू देखता हूँ और आधा ग्लास फुल देखता हूँ, आधा ग्लास खाली देखने की बजाय। जो इमरान खान साहब ने अपने हामियों को एक तरह से खिताब करके उनको ये कह रहे थे कि आप उनको फोन करके, खत लिख के और रबते करके उनको ये बताएं कि क्या साजिश की गई है पाकिस्तान में और क्या आप इसको अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि फर्ज करें अगर मैंने आपके खिलाफ साजिश की है और आपका कोई रिश्तेदार मुझसे रबता करके ये कहे कि देखें आपने कितना बुरा किया है कि आपने आलिया के खिलाफ साजिश की है, तो मैं तो पहले ही उसमें शरीक हूं, तो मुझे बता कि आप कौन सी नई बात कर रहे हैं। अगर हम इमरान खान साहब के इस इस्तदलाल को दुरुस्त मान लें और फर्ज करें कि अगर ऐसा हो भी जाए, तो मैं तो यहाँ पर जितने पाकिस्तानियों को मिला हूं, मैंने तो बल्कि मुझे दो इलेक्शन यहाँ पे कवर करने का इत्तफाक हुआ बतौर सहाफी, ओबामा का पहला इलेक्शन और फिर ओबामा का दूसरा इलेक्शन, और उसके बाद अब मैंने जो ट्रंप के दो इलेक्शन थे उनको एज एन ऑब्जर्वर जो है वो जर्नलिज्म पढ़ाते हुए देखा है, उस पर रिसर्च की है। मैं तो जितने पाकिस्तानियों को जानता हूँ वो तो बड़े रिलक्टेंट होते हैं यहाँ पर वैसे ही जो सियासी अमल है उसमें हिस्सा लेने में, क्योंकि उनके कई तरह के तहफ़ुज़ात होते हैं, उनके जो माली मसाइल हैं, जो उनके रोजगार के मसाइल हैं, उनके बायस जो है वो वैसे ही इतना वक्त नहीं निकाल पाते कि वो किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकें। हाँ, ये वीकेंड पे कोई जलसा हो जाए या उनकी पसंदीदा सियासी जमात का कोई एक्टिविटी हो जाए और वहां पे क्योंकि खाना भी बहुत अच्छा मिलता है तो वहां जरूर पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या अगर हम इसको संजीदगी से देखें तो क्या वाकई पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में कोई ये मुहिम चला सकते हैं और उस मुहिम के चलाने के नतीजे में कोई इमरान खान साहब को फायदा हो सकता है, या जिस मुबैना साजिश का जिक्र वो कर रहे हैं उस साजिश का कोई तोड़ निकाला जा सकता है? तो ये इमरान खान साहब की खाम ख्याली तो हो सकती है और कम से कम ऐसी किसी खाम ख्याली का हिस्सा बनने के लिए मैं तो तैयार नहीं हूँ। ठीक, अच्छा वैसे साहब, एक तो ये कि आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कह दिया कि नहीं, मेरी तो ऐसी सोच नहीं, मतलब आप ये समझते हैं कि शिकायतें लगाने की चुगलखोर की जो एक बात कर रहे हैं कि ऐसी नेचर नहीं है, तो इमरान खान साहब को आप ऐसा समझते हैं? बड़ा नाराज होंगे वो तो इस बात पे, देखो मुझे ये कह दिया। अच्छा, दूसरी बात कि आपने ये कहा कि इवेंट्स होते हैं, लोग, हमने तो देखा जनाब, उन्होंने तो एक बड़ी तादाद को जो निकाला, जिस तरीके से वो नवाज शरीफ के घर पर हमलावर रहते हैं, वो जिन लोगों को बेचते हैं हर वक्त, और फिर कई मुल्कों में इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए जिसमें उन्होंने वहां पे, तो फिर इसका मतलब है कि वो जो लोग निकलते हैं वो सिर्फ बस सिर्फ ये जो आप कह रहे हैं कि खाना अच्छा मिल जाता है, या तो इसका मतलब है वो इमरान खान साहब के साथ सिंसियर नहीं? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हमें ये जो इमरान खान साहब की हिमायत है ना, इसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है, और मैं मुख्तसर आपको बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क भी उसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ। अब कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची में इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा जलसा किया, बहुत ज्यादा लोग आए, वो तो ये कहते हैं कि जी तकरीबन 5 लाख लोग थे। फर्ज करें कि हम अगर उस मुबालगे को बीच में से थोड़ा सा निकाल भी दें और हम ये कहें कि 2-2.5 लाख लोग थे, 3 करोड़ की आबादी का शहर है कम से कम कराची। उस शहर में से 14 नशस्तें जीती हैं इमरान खान साहब ने, 14, और एक जो कौमी असेंबली की नशस्त है तकरीबन 3 लाख प्लस माइनस अगर आप करें तो वोट होता है उस कौमी असेंबली की नशस्त पर। यानी
उन 14 सीटों पर तकरीबन 42 लाख वोट है जो पोटेंशियल वोट है जो किसी भी जमात को मिल सकता है। उन 42 लाख वोटों में से अगर फर्ज करें कि पूरे 5 के 5 लाख लोग भी इमरान खान साहब के जलसे में आ गए उनके दावे के मुताबिक, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरे का पूरा कराची इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ा है? मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा जो है वो इसमें मुबालगा ज्यादा है और हकीकत वो नैरेटिव वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर राइट और रॉन्ग उस पर बहस हो सकती है, वो कम अज कम उनके हामियों के अंदर रेजोनेट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त मैं सिर्फ उसको जिस तरह से वो ओवरस्टेट कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि क्या ये इलेक्टोरल सक्सेस में उस तरह से ट्रांसलेट होगा या नहीं होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसी तरह अब आप बैरून मुल्क आ जाइए, यहाँ ह्यूस्टन जो है ये अमरीका का चौथा बड़ा शहर है। इस शहर में तकरीबन अगर आप ग्रेटर ह्यूस्टन की बात करें, आप इस शहर के एक सिरे से चले तो दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए आपको 1.5-2 घंटे चाहिए होते हैं। कम अज कम 3 लाख पाकिस्तानी इस शहर में मौजूद हैं, यहां पर मौजूद कॉन्सुलेट के फिगर्स के मुताबिक। उन 3 लाख लोगों में से जो लोग मुजाहरे में मौजूद थे, मेरा ख्याल है कि उनकी तादाद 1000 से ज्यादा नहीं थी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो लोग उस मुजाहरे में मौजूद थे जो यहां पर ह्यूस्टन में किया गया, 1500 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे वहां पर, ठीक? सो 3 लाख में से अगर 1500 लोग वहां पहुंच भी गए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तानियों की पूरी तादाद जो अमेरिका में मौजूद है वो इमरान खान साहब के साथ है? सो ये जो अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हर सियासी जमात जो है वो ये क्लेम करती है कि 22 करोड़ आवाम जो है वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन जब आप सरफेस को स्क्रैच करना शुरू करते हैं और जो है इस तरह से नंबर्स को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं, तो सिचुएशन डिफरेंट होती है। क्योंकि ये जो लॉयल क्राउड इस वक्त आपको इमरान खान साहब के साथ नजर आ रहा है, ये हमेशा से इमरान खान साहब के साथ था। एक और तबका जो उनके साथ शामिल हो गया है इस दौरान में, जो जाहिर है उनके क्रिकेट के बावजूद सियासत में उनके साथ जुड़े बाकी जमातों से मायूस होने के बाद, वो ऐसा तबका है जिन जो शायद उनको पसंद करते थे लेकिन उनको उन्होंने वोट नहीं दिया था 2013 से पहले, क्योंकि उन्हें ये यकीन नहीं था कि इमरान खान साहब जीत सकते हैं। अब उन्हें ये यकीन हो चुका है कि नहीं, ये जीतने वाला घोड़ा बन सकता है, ये 2 दफा इक्तदार में आ चुका है। सो नंबर्स उनके बढ़ रहे हैं, लेकिन उन नंबर्स को लेकर जब वो इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, अपनी तरफ से तो वो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुके हैं, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि कितने लोग इमरान खान साहब के साथ हैं, कितने उनके खिलाफ हैं। क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी जब एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट उनको हासिल थी, जब उनकी वेव थी, जब वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं थे, उस वक्त उनको 1.5 करोड़ वोट मिला था और कोई 2.5-3 करोड़ वोट उनकी मुखालिफ जमातों को मिला था। क्या वो 1.5 करोड़ का 1.5 करोड़ वोट उनके साथ अभी खड़ा है? क्या वो जो 2.5-3 करोड़ वोट था उसमें से आधा वोट टूटकर इमरान खान साहब के साथ शामिल हो चुका है? ये अभी सारी वो कैलकुलेशन है जिसके बारे में क्या सराहियां हो रही हैं, टेंजिबल फिगर्स अभी किसी के पास नहीं है। वैसा बिल्कुल सही, वो जो इलेक्शन में जो भी इसमें वोट पड़ेगा, जिस तरह उन्होंने 1.5 करोड़ लिया, जिस तरह वो कहते हैं, वो तो हम देखेंगे। लेकिन ओवरसीज की जब हम बात कर रहे हैं खासतौर पर इस वक्त, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से कर, तो मेरे पास 2 सवाल है। इसमें से पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूंगी कि जहां हम ये देख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि देखिए अगर फर्ज कीजिए 3 लाख की आबादी है वहां पे ह्यूस्टन में, और उसमें से जो है कोई 1500-2000 पाकिस्तानी आ जाते हैं, तो इसका मतलब, लेकिन इमरान खान ने ये कहा कि 1 बिलियन रुपीज उन्होंने जमा कर लिए चंद दिन के अंदर, और वो उनको ओवरसीज से आए। तो 1 बिलियन रुपीज आप, मतलब कितने लोगों ने आपके ख्याल में 1 बिलियन रुपीज उनको डोनेट किए? देखिए, इमरान खान साहब की जो क्राउड पुलिंग की सलाहियत है और जो फंड रेजिंग की सलाहियत है, इसमें तो कभी कोई शुबा नहीं रहा। इस वक्त उनके लिए एक सिंपथी का फैक्टर भी मौजूद है। मैं तो ऐसे पाकिस्तानियों से भी मिला हूं यहाँ पर जो इस हद तक गुफ्तगू करते हैं आपस में कि जी हम तो फंड रेजिंग कर रहे हैं क्योंकि हम इमरान खान साहब को हेलीकॉप्टर लेकर जाना देना चाहते हैं ताकि उन्हें इन एटीएम्स पर और उनके जहाज पर रिलाय ना करना पड़े। तो एक सिंपथी का फैक्टर जरूर है, उस सिंपथी फैक्टर की वजह से फंड रेजिंग भी हो रही है
और मैं एक्चुअली इमरान खान साहब के तर्ज सियासत से इख्तलाफ रखने के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि यह बड़ी अच्छी बात है कि वो ये फंड रेजिंग कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को करनी चाहिए ताकि ये हमारे यहाँ जो ATMs का कल्चर है ये खत्म हो और जो रिलायंस है वो उस वोटर पर बने, उस आम आदमी पर बने, ताकि उसकी आवाज भी जो है वो लीडरशिप के लिए किसी ना किसी हद तक उसका वजन बने। इस वक्त तो ये हाल है पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसमें कि वो चंद मोटी ATMs जो पैसे खर्च कर सकती हैं उन्हीं की आवाज सुनी जाती है, आम आदमी की और आम वोटर की तो आवाज ही कोई नहीं सुनता। सो जब ये लोग कि जब फंड रेजिंग की बात मुल्क के अंदर आती है तो उनके शौकत खानम के लिए तो मुल्क के अंदर से भी लोगों ने अपनी जेवर तक उतार के दे चुके हैं, लेकिन उनकी सियासत के लिए शायद यहाँ के लोग उस तरीके से नहीं सोचते जैसे कि वहां के। तो जो फंडिंग है क्या फिर वो बैरून मुल्क से ही जो है, जो आप कह रहे हैं पोलिटिकल पार्टीज करें, क्योंकि मुल्क के अंदर से तो ऐसा कोई अभी सच रिवाज नहीं है। लेकिन मुझे इसमें एक और सवाल भी बन रहा है सर, वो ये है कि वहां के पाकिस्तान इमरान खान को जो सपोर्ट कर रहे हैं तो इमरान खान का जो नैरेटिव है वो हमें डेमोक्रेटिक नॉर्म से जरा दूर दिखाई देता है। बाकी इसकी बनिस्बत हम देखते हैं कि दूसरी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी पे मिलन, वो ज्यादा नॉर्म्स पर यकीन रखती है। तो वहां के लोग इतने अरसे तक इतनी जबरदस्त जमहूरियतों में रहते हुए, क्योंकि डेमोक्रेसी हम अमेरिका की बात करें कहीं और इन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर तो हम मिसाल देते हैं जी, वहां की आप डेमोक्रेसी देखें, वहां की डेमोक्रेटिक नॉर्म्स देखें, तो वहां पे रहने वाले पाकिस्तानी ऐसी सोच के मालिक क्यों? ये बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया है और इस पर मैंने बड़ा गौर करने की कोशिश की है। अब 10-12 साल में जो मुझे इस मुल्क में रहते हुए हो गए हैं, बहुत लोगों से मिला हूं, बहुत ट्रेवल किया है, मुझे उसकी बुनियादी तौर पर एक ही वजह समझ में आई है और यह फेनोमेना सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, ये इंडियंस के साथ भी इसी तरह से है कि उन्हें यहाँ पर डेमोक्रेसी चाहिए लेकिन अपने मुल्क में उन्हें जो है वो एक फंडामेंटलिस्ट किस्म का, जैसे इंडिया में मोदी है, या पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर चाहिए जो उनके ख्याल में डंडा घुमाए और डंडे के साथ सबको ठीक कर ले। इंटरेस्टिंगली ये तमाम लोग जो अब इमरान खान साहब के फैन हैं इस वक्त, इनकी एक बड़ी तादाद इससे पहले परवेज मुशर्रफ की फैन थी। उसको जब मैं समझने की कोशिश करता हूं इन लोगों से बात करके तो मुझे उसकी तह में एक गिल्ट नजर आता है कि ये लोग जब यहाँ आ जाते हैं और पाकिस्तानियों का एक बड़ी तादाद जो है वो हमेशा पीछे मोड़ मोड़ कर देखती रहती है, वो असिमिलेट नहीं हो सकती समहाउ इस कल्चर में, बावजूद और उसकी डिटेल्स हम डिस्कस कर सकते हैं, बट खास तौर पर जब सेकेंड जनरेशन यहाँ पर पूरी तरह सिमिलेट हो जाती है और उनकी दुनिया डिफरेंट हो जाती है तो पेरेंट्स को लगता है कि शायद उनका वो फैसला यहाँ पर मूव करने का और यहाँ पर सेटल होने का उतना दुरुस्त नहीं था। फिर वो जो है उनका ख्याल होता है कि अब हमारे बच्चे जो हैं वो मोड़ मोड़ कर पीछे देखें, वो जो है वो पाकिस्तान को अपना घर बनाए, वो मुमकिन नहीं होता। सो उसके लिए वो, और दूसरा मसला ये है कि इन सब की जो मालूमात का जरिया है वो इनकी पसंदीदा सियासी जमात का सोशल मीडिया पेज है, उसके अलावा इन्हें ग्राउंड रियलिटीज का कोई इदराक नहीं है। वो तमाम लोग जो अब से चंद अरसा पहले इमरान खान साहब की हुकूमत में, और हम भी यहाँ खानों पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, जो अब हमें समझाया करते थे ऐसी मुलाकातों में कि नहीं नहीं इमरान खान साहब सब ठीक कर लेंगे, पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, महंगाई बिल्कुल नहीं है, ऑपोजिशन जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है, तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता था कि आप आखिरी दफा पाकिस्तान कब गए थे, और 10 में से 9 लोग जो है वो ये कहते थे कि जी मैं 5 साल पहले गया था, 7 साल पहले गया था, 10 साल पहले गया था। तो अगर आपकी रियलिटी जो है वो कलर्ड है उस लेंस से जो आपको दिखाया जा रहा है और उसके साथ वो फैक्टर ऐड हो गया है कि आपके ख्याल में आपने कोई दुरुस्त फैसला नहीं किया इस मुल्क में आके और आपको जो है वो वापस चला जाना चाहिए, और वापस अगर आप जाएं तो वहां पर एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसमें सब कुछ जो है वो बेहतरीन हो आपके लिए, तो फिर आपको ये लगता है कि शायद आप जो है वो जो कहते हैं कि सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, आप वो वाले एनिमल बन गए और दूसरे एनिमल जो पीछे रह गए हैं शायद वो थोड़े से इंफीरियर हैं जिन सब को एक डंडे से दुरुस्त कर लेना चाहिए। सो ये मेरा ख्याल है कि सोच का फर्क है, और वो सोच का फर्क जो है वो आता है क्योंकि आपका वर्ल्ड व्यू और एक्सपोजर जो है वो बड़ा नैरो होता है, आपकी जिंदगी जो है वो घूम रही है आपके काम और आपके घर के दरमियान,
और आपकी मालूमात का जरिया जो है वो सोशल मीडिया के अलावा कुछ नहीं है। 10 में से 9 लोग जो मुझे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये आपने कहाँ से सुना है, तो वो कहते हैं कि फेसबुक पर देखा है या ट्विटर पर सुना है या मुझे व्हाट्सएप से आया है। तो अगर आपकी रियलिटी ऐसी है तो फिर आपके जो उसके सॉल्यूशंस हैं वो भी ऐसे ही होंगे। अच्छा, वैसे जहां तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, ये तो पूरी दुनिया में ही है ना, यानी पाकिस्तान में तो इंटरनेट अभी इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा जितना पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। वहां के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे शायद हमसे ज्यादा हों, लेकिन वो सोशल मीडिया पे इस तरीके से ट्रस्ट ना करते हैं। दूसरी एक और बात जो आपने अभी कही, मैं वैसे इससे डिसएग्री करता हूं, क्योंकि ट्रंप के हामियों ने हमारी ये जो गलत फहमी थी वो दूर कर दिया कि हमारे यहाँ शायद जहालत की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा ठीक, सही। तो एक और सवाल बड़ा अहम, और वो ये कि वोट, ये वो बड़ा खुश हो रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी कि वोट का हक हमें मिले, आप इसको कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि ओवरसीज को वोट का हक मिलना चाहिए? क्योंकि इस पर बहुत से सवाल उठा सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि जब वो पाकिस्तान में है नहीं, उनका कुछ लेना देना नहीं यहाँ से, तो वहां पर बैठकर वो किस तरीके से अपना वोट का क्यों हक इस्तेमाल करें? बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप भी कैंसिल करवा दी होंगी, उनके बच्चे भी वहां, मतलब इसमें बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन आप समझते हैं खुश है वोट का हक मिलने पर, और ऐसा भी हो सकता है कि अब वो कैंसिल हो जाए ना मिले, तो उसके ऊपर वहां पे जो पाकिस्तानी है वो फिर गमजदा होंगे कि क्यों नहीं मिले? देखें, इस अगेन इसके काफी सारे पहलू हैं इस मसले के। पहले तो मैं आपको मुख्तसरन ये बता देता हूँ, ये जो इमरान खान साहब का और उनकी जमात का ख्याल है कि उनकी एक प्रेडोमिनेंटली हिमायत मौजूद है अमेरिका के अंदर या दूसरे मगरबी ममालिक के अंदर। देखें, तकरीबन जो फॉरेन ऑफिस के फिगर्स हैं, कोई 90 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं बैरून मुल्क। अब अगर आप 90 लाख पाकिस्तानियों का हिसाब लगाएं, तो अब मेरे घर में 4 लोग हैं तो वोट तो 2 ही है ना सिर्फ, तो सारे के सारे वो वोट तो नहीं है। अच्छा, फिर अब जैसे मैं ह्यूस्टन में रहता हूँ, ह्यूस्टन की हम बात करते हैं, फिर लॉजिस्टिक्स की बात आ जाती है। अब जो बंद, अब मुझे भी अगर ड्राइव करके कॉन्सुलेट जाना पड़े तो मुझे 1 घंटा लगता है। वो बंदा जो इस स्टेट के किसी दूसरे कोने पर मौजूद है, जहां से उसे 10-12 घंटे ड्राइव करके कॉन्सुलेट तक आना है और वोट डालना है, क्या वो वोट डालेगा? इस मुल्क के अंदर जहां इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी लोगों की एक्सेस है, जब यहां वोट होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है या स्टेट का इलेक्शन होता है, तो टर्नओवर 40-45% से ज्यादा नहीं होता। तो ये सोचना कि पाकिस्तानी जो हैं वो सारे के सारे जाकर वोट दे देंगे, अगेन मुझे लगता है कि वो उसके अंदर थोड़ा सा मुबालगा ज्यादा है। अच्छा, फिर ये कि यहाँ पर भी मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो ऐसे लोगों की भी तादाद है जो इमरान खान साहब के हामी हैं, और पिछले 3-3.5 साल में उनकी परफॉर्मेंस के बावजूद उनका यकीन उन पर कायम है, और ऐसे भी लोग हैं जो चीजों को क्रिटिकली देखते हैं और समझते हैं, और जो है कुछ मायूसी भी आई है उसके साथ। अब मैं आ जाता हूं उस पर कि क्या मैं समझता हूं इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में या ओवरसीज वोटिंग के बारे में। देखिए, मैं जो बुनियादी बात है ना, वो ये है कि जब आप कोई फैसला करते हैं तो आपको उस फैसले के अच्छे और बुरे दोनों का शरीक होना चाहिए। मैं अगर फर्ज करें कि 15-20 साल से अमेरिका में मुकीम हूं और मैं पिछले 10 साल से पाकिस्तान नहीं गया हूं, और मैंने शायद जाना भी नहीं है, मेरे बच्चों ने भी नहीं जाना, मैं अपना पासपोर्ट भी सरेंडर कर चुका हूं, और वहां पर जो मेरा वोट होगा उसके नतीजे में जो भी इक्तदार में आएगा उसके फैसलों का फायदा या नुकसान भी मुझे नहीं होना, सिवाय इसके कि मैं जो है वो ये कह सकूं कि देखो मेरा पसंदीदा आदमी इक्तदार में आ गया तो कितना अच्छा हो गया। तो मेरे ख्याल में कि ये जो लाइन है ये आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ऐसे लोग फर्ज करें जो मिडल ईस्ट में मौजूद हैं या अरब ममालिक में मौजूद हैं, जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, जो काम के सिलसिले में वहां मौजूद हैं, जिनको हम एक्सपैट्रिएट्स कहते हैं, उन लोगों को तो जरूर वोट का हक होना चाहिए। और उनके लिए आपको, वैसे टेक्निकली हमारे आईन में पाकिस्तानी जो ओवरसीज मौजूद हैं उनको वोट का हक है, ऐसा नहीं है कि वोट का हक उनको नहीं है, सिर्फ ये है कि उनके लिए जो इंतजामात हैं वो उनके मुल्क में नहीं किए जाते, वो पाकिस्तान के अंदर आकर वोट दे सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मेरा ख्याल है कि उनको तो वोट का हक मिलना चाहिए। जो दूसरी किस्म है, जो डुअल नेशनल्स हैं, जो किसी और मुल्क
शहरियत ले हैं, अगर उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत सरेंडर नहीं की, तब भी मेरा ख्याल है कि आपको कोई कट ऑफ मार्क बनाना चाहिए कि फर्ज कीजिए वो पाकिस्तान के अंदर टैक्स पेयर हो, या उनकी कोई जायदाद हो, या उनका कोई कारोबार हो, एनीथिंग, मतलब इट कैन बी डिस्कस्ड, बट पाकिस्तान के अंदर उनका कोई ना कोई स्टेक होना चाहिए। ऐसे लोग जिनका कोई स्टेक नहीं है पाकिस्तान में, वो नेशनैलिटी भी सरेंडर कर चुके हैं, वो कई बरस से पाकिस्तान भी नहीं आए हैं, उनको मेरा ख्याल है कि ये वोट का हक नहीं होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर वैसलिन, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने हमें वहाँ पे वो चीज़ जो सोचते हैं इमरान खान के नैरेटिव के बारे में, तो उसमें क्या इख्तलाफ भी हो सकता है और क्या इत्तेफाक हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।